बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम असलान जमील एंड आई एम वर्किंग एज एसएस कंप्यूटर साइंस इन डीपीएस साहिवाल। टुडे दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज डाटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट सेव लोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन बेसिक। First of all, before we are going to start our lecture, we are going to review our previous knowledge. अपने last lectures में हमने जो discuss किया था उसको एक दफा दोबारा review करते हैं। हमने algorithms के बारे में पढ़ा था, मैंने algorithms के बारे में आपको बताया था कि algorithms जो होते हैं basically वो step by step sequence of instructions होती हैं जो किसी particular task को perform कर रही होती हैं। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स बेसिकली आपके पास जो है ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है अल्गोरिदम्स की, और जो है फ्लो चार्ट्स सिंबल्स यूज करते हुए जो हम बनाते हैं और एक अल्गोरिदम के जो है फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लॉजिक को जो है रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट्स। उसके बाद हमने सिंबल्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था। सिंबल्स हमने देखे थे, उसमें हमने टर्मिनल सिंबल देखा था, प्रोसेस का सिंबल देखा था, उसके बाद फ्लो लाइंस देखी थी, कनेक्टर सिंबल थे, फंक्शन का सिंबल था, और इसी तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल हमने देखे थे जिनकी हेल्प से जो है फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं। उसके बाद हमने एरर्स इन प्रोग्रामिंग को पढ़ा था। हमने तीन टाइप के एरर पढ़े थे। एक सिंटैक्स एरर था। सिंटैक्स एरर वो एरर्स होते हैं जो बेसिकली प्रोग्राम की ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। उसके बाद रन टाइम एरर पढ़े थे। रन टाइम एरर बेसिकली किसी रनिंग प्रोग्राम को जब क्रैश हो जाए तो वो तब आते हैं। और उसके बाद जो हमने लॉजिकल एरर्स पढ़े थे, लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है अगर वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा तो बेसिकली लॉजिकल एरर की एग्जांपल है। उसके बाद हमने डीबगिंग को पढ़ा था। डीबगिंग बेसिकली उसमें हम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एरर्स ढूंढते हैं और एरर्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन लिया था बेसिक लैंग्वेज का। बेसिक लैंग्वेज बेसिकली डार्टमाउथ कॉलेज जो है उसमें बनाई गई थी और दो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने डिजाइन की थी। और बेसिक लैंग्वेज बेसिकली जो है वो फंडामेंटल लैंग्वेज है, मोर पावरफुल लैंग्वेज जिसका फोर्ट्रान है उसको सिखाने के लिए। और बेसिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि जो है हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो कॉमन होना शुरू हो गए और हमारे पास बेसिक लैंग्वेज जो है बेसिक लैंग्वेज बेसिकली बिजनेस के लिए और जो है अकेडमिया में जो पर्सन हैं वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। बेसिक लैंग्वेज जो है उसमें बिल गेट्स ने जो है अपना अल्टेयर कंप्यूटर जो उसने फर्स्ट मार्केट में लेके आए थे वो उन्होंने भी जो है वो बेसिक लैंग्वेज को यूज करते हुए उसमें प्रोग्राम बनाए थे। उसके बाद हमने बेसिक लैंग्वेज के मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे। हमारे पास दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं बेसिक लैंग्वेज के। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मोड और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट मोड में आप कमांड लिखते हैं और जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है और उसकी जो कमांड है वो ओमिट हो जाती है स्क्रीन के साथ, यानी इमीडिएट जो है आपके पास रिजल्ट आता है। और जो है डायरेक्ट मोड हम डीबग क्विक कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड में आप पूरा प्रोग्राम टाइप करते हैं और उसके बाद जब आप रन की स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद उसका इंटरप्रेस करते हैं तो तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है और पूरा प्रोग्राम जो है आप उसको सेव भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट मोड के जरिए। ज्यादातर जो हम प्रोग्रामिंग जो है वो हम इनडायरेक्ट मोड में करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग प्रोग्राम्स इन जीडब्ल्यू बेसिक से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडब्ल्यू बेसिक हमारे पास क्या चीज है। जीडब्ल्यू बेसिक प्रोवाइड्स आईडीई एनवायरनमेंट। बेसिकली जीडब्ल्यू बेसिक हमें इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करता है। इन आईडी एनवायरनमेंट वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। आईडी एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम जो है वो बेसिक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। जो सेव पड़े हुए हैं प्रोग्राम
ऑलरेडी सेव हमारे पास हुए हुए हैं, उनको हम लोड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर और बेसिक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, अब हम देखते हैं कि GW बेसिक के अंदर जो है वो हम प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इन GW बेसिक प्रोग्राम लाइन हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमारे पास GW बेसिक का जो प्रोग्राम होता है उसमें जो लाइन होती है उनके जो है फॉर्मेट इस तरह का नजर आता है। ये देखिएगा, सबसे पहले लाइन नंबर होते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपको लाइन नंबर नजर आएगा, जिसके बाद हम जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो वन बाय वन जो है GW बेसिक प्रोग्राम की लिखते जाते हैं। लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529। लाइन नंबर जो होते हैं वो बेसिकली 0 से लेकर 65529 की रेंज के अंदर होते हैं। स्टेटमेंट इज एनी वैलिड GW स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट का मतलब है वो कोई भी GW बेसिक की स्टेटमेंट हो सकती है, जिस तरह ए मल्टीप्लाइड बाय बी या ए इज इक्वल टू जीरो, कोई भी वैलिड GW की स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब हम लिखते हैं तो वो हो सकती है। आ GW बेसिक प्रोग्राम कैन नॉट हैव मोर देन 255 करेक्टर्स। एक GW बेसिक प्रोग्राम के अंदर जो है वो 255 करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। देयर वुड बी मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन वन लाइन सेपरेटेड बाय कॉलन। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो दो स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो है वो कॉलन से सेपरेटेड होंगी। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट वन आपको नजर आ रही लिखी है, फिर कॉलन है और फिर स्टेटमेंट टू है, ठीक है। तो इसी तरह जो है एक लाइन के अंदर आप दो स्टेटमेंट को टाइप कर सकते हैं। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लाइन नंबर को यूज करते हुए एग्जीक्यूट होगा। इसकी भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द लाइन नंबर 45 इज टाइप After the line 60, line 45 will be executed first. क्योंकि हम ascending order में जो है GW basic program execute होता है, तो अगर आप जो है line 45 को line 60 के बाद भी लिखें तो line 45 जो है वो पहले execute होगी। Example of creating a program, अब हम देखते हैं एक example के GW basic के अंदर जो है वो program को किस तरह create किया जाता है। ये देखिएगा, हमने अपनी जो है वो GW बेसिक की जो आईडी है वो हमने ओपन कर ली है। इसमें देखिएगा आपको सबसे पहले GW बेसिक 3.23 जो इसका वर्जन है वो लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी कॉपीराइट की स्टेटमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 98 आप तो 88 लिखा नजर आ रहा है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो है उसके पे कॉपीराइट है। उसके बाद इसमें जितने बाइट्स फ्री हैं वो लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद ओके लिखा नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इसको जो इंडेक्ट मोड में इसको कन्वर्ट करते हैं। इंडेक्ट मोड में लास्ट लेक्चर में बताया था वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑटो का जो है वो कीवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद जो है वो आप इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिएगा आपके पास जो है 10 लिखा नजर आ रहा है। बेसिकली 10 आपके पास जो है वो एक लाइन नंबर है। ये बेसिकली 10 जो है वो आपके पास एक लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह मैंने बताया था कि लाइन नंबर होते हैं और उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। अब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैं इनपुट करता हूँ इनपुट एक्स और उसके बाद जब नेक्स्ट मैंने इंटर प्रेस किया तो 20, इसका मतलब है ये 20th जो है आपका लाइन नंबर है। उसके बाद इनपुट और वाई, उसके बाद दोबारा देखिएगा लाइन नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स को टाइप करते जा रहे हैं। एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, उसके बाद देखिएगा हमारे पास अब 40th लाइन नंबर आ चुका है। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं जी को और अपना प्रोग्राम एंड करने के लिए हम एंड का जो है वो कीवर्ड टाइप कर देते हैं। ये देखिएगा हमारा एक प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी प्रोग्राम बनाना हो आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होगा कि आपके पास लाइन नंबर होगा और उसके बाद आप स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे।
हमने एक और भी जब क्रिएटिंग या कुरान वाली स्लाइड में हम देखे थे कि हमने देखा था कि आप एक ही लाइन के अंदर जो है वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, वो आप किस तरह लिखेंगे, वो लिखने के लिए आपको कॉलन की जरूरत होगी। जिस तरह मैं लिखता हूं इनपुट ए कॉलन इनपुट बी, बेसिकली आप देखिएगा कि हमने 60 लाइन नंबर के अंदर जो है वो सबसे पहले इनपुट ए की स्टेटमेंट लिखी, ये एक स्टेटमेंट वन होगी और कॉलन का साइन लगाया, और फिर हमने जो है इनपुट बी की स्टेटमेंट लिखी, तो ये हमारे पास जो है वो एक ही लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट हमने जो है वो यूज किए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जो है हम जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर, हम उसको सेव किस तरह कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं हमारे पास। टू सेव अ फाइल इन जीडब्ल्यू बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड। सेव करने के लिए फाइल को हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, वो क्या प्रोसीजर है उसका जो है फर्स्ट पॉइंट प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। बेसिकली जो है उसका फर्स्ट स्टेप हमारा जो है किसी फाइल को सेव करने के लिए जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर, या तो आप F4 की को प्रेस करेंगे या तो आप सेव कमांड जो है वो टाइप करेंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, टाइप अ वैलिड नेम इन कोट्स फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस इंटर। इफ कमांड जो है वो आप लिख लेंगे, उसके बाद एक नेम लिखेंगे प्रोग्राम के लिए और वो कोट्स के अंदर होगा, और फिर प्रेस इंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। तो प्रोग्राम इज सेव अंडर स्पेसिफाइड नेम, जो आपने नेम दिया है प्रोग्राम को उसी नेम के साथ जो है आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ सेविंग अ प्रोग्राम, आइए हम देखते हैं कि हम अपना जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है उसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेविंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक, पहले प्रोग्राम लिखा था कि उसमें हमने इनपुट ली थी एक्स, इनपुट वाई और जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, हमने जो है दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर उनको प्रिंट करवा रहे थे। अब हमने इस प्रोग्राम को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो सेव लिखेंगे और उसके बाद जो है कोट्स के अंदर जो है बेसिकली इसका नेम लिखेंगे, और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है और उसका नेम जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है या ऑलरेडी हमारे पास सेव प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसको हम मेमोरी के अंदर या डीडब्ल्यू बेसिक के अंदर हम किस तरह लोड कर सकते हैं। अ सेव प्रोग्राम कैन बी रीयूज बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर, जो है सेव प्रोग्राम जो है आप दोबारा किस तरह यूज कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं आप किसी सेव प्रोग्राम को जो है दोबारा जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर लोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड। आप क्या करेंगे, या तो F3 की प्रेस करेंगे या जो है आप अपने जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर लोड कमांड को टाइप करेंगे। टाइप द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स, और लोड टाइप करने के बाद आपके पास जो और जिस नेम से फाइल सेव है उस कोट्स के अंदर उस फाइल का नेम आप टाइप करेंगे और उसके बाद प्रेस इंटर करेंगे। द फाइल इज लोडेड इन द मेमोरी, जो आपकी फाइल है जो आपका प्रोग्राम है वो जो है आपकी मेमोरी के अंदर जो है रैम के अंदर वो लोड हो जाएगा। If the file does not exist or an invalid path is typed, an error message is displayed. अगर तो आपका अगर जो फाइल है वो एग्जिस्ट ना करे या जो आपने पाथ दिया है जो वो इनवैलिड हो तो एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। The default extension of GW Basic program is .bas है। GW Basic program की जो extension है default वो .bas है। टू सेव अ फाइल इन अ डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द नेम, अगर आप है अपनी चूजिंग की किसी डायरेक्टरी में जो है अपनी फाइल सेव करनी है तो उसका कंप्लीट पाथ जो है फाइल नेम के साथ वो देना जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम, एग्जाम्पल ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक,
आई हम देखते हैं कि हम किसी प्रोग्राम को जीडब्ल्यू बेसिक में किस तरह लोड कर सकते हैं। तो है प्रोग्राम को लोड करना था, तो हमने क्या कहा था कि हम जो है लोड की कमांड को टाइप करेंगे और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर जो है हम जो है प्रोग्राम का नेम टाइप करेंगे जो हमने सेव किया था फर्स्ट प्रोग्राम के नेम से सेव किया था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड होता है कि नहीं होता। अब हम जो है वो जब हमने लोड टाइप किया और उसके बाद जो है अपने प्रोग्राम जिस नेम से सेव था और उसके बाद उसको टाइप करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा हमारा प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है हमारा स्टेप जो है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम कि अब हम देखते हैं कि अपने प्रोग्राम जो हमने पहले उसको क्रिएट किया फिर उसको सेव किया फिर उसको लोड किया उसको हम एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं यानी इसको रन किस तरह कर सकते हैं उसके क्या स्टेप्स होते हैं आइए हम देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम जो प्रोग्राम है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं अब हम उसको चलाएंगे। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन टू मेमरी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको अपने प्रोग्राम को लोड कर लेंगे मेमरी के अंदर। प्रेस एफ टू और टाइप रन कमांड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट फॉलो इट। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप F2 प्रेस करेंगे या रन कमांड टाइप करके करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। आइए हम देखते हैं कि हम जो है किसी प्रोग्राम को हम किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इन जी। अब देखिएगा हमने पहले प्रोग्राम को सेव किया हुआ था फिर लोड किया उसको तो हमें ये पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी लोडेड है मेमोरी के अंदर। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो है सिर्फ रन जो है कमांड उसको हम लिखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है यानी वो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें हम जो है प्रोग्राम क्या कर रहा था, सबसे पहले वो इनपुट ले रहा था एक्स वेरिएबल के अंदर जिसमें हम 30 इनपुट दे देते हैं और उसके बाद जो है इनपुट ले रहा था वाई वेरिएबल के अंदर उसके अंदर हम 45 इनपुट कर देते हैं और उसके बाद जो है वो इन दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा रहा था। तो हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो सही आती है कि नहीं। ये देखिएगा हमारी आउटपुट आ चुकी है 1350 जो बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। इसका मतलब है सबसे पहले हमारा प्रोग्राम को राइट करना उसके बाद उसको सेव करना और उसके बाद उसको लोड करना उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स को हमने फॉलो किया तो और हमें जो है वो कामयाबी मिली। नेक्स्ट हम रिकैप्चुलेट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को क्रिएट करना सीखा कि हम प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट करते हैं और जीडब्ल्यू बेसिक में क्या फॉर्मेट होता है। उसमें जो है वो एक लाइन नंबर्स होते हैं, लाइन नंबर्स के बाद जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स आप जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक की टाइप करते हैं और एक जो है एक लाइन नंबर के अंदर जो है वो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप कर सकते हैं लेकिन वो जो हर स्टेटमेंट जो है वो कॉलन से सेपरेट होगी और जो है आप जो है आपका प्रोग्राम असेंडिंग लाइन नंबर के साथ हमेशा एग्जीक्यूट होगा यानी कि अगर आपकी लाइन 60 के बाद लाइन 45 आ रही है तो लाइन 45 हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। हम किस तरह कर सकते हैं कि हम जो है वो सेव की कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद हम जो है सिंगल कोट्स के अंदर जो है एक प्रोग्राम का वैलिड नेम टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हम लोड किस तरह करते हैं, हमने प्रोग्राम को हम किस तरह लोड कर सकते हैं कि हम लोड की कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद उसका जो जिस नेम से हमने सेव किया था वो नेम जो है सिंगल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो जाएगा। उसके बाद देखा हमने कि हम एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रन की कमांड टाइप करनी पड़ेगी और उसके बाद जब हम उसको इंटर प्रेस करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 7। उसका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेप्स टू सेव अ प्रोग्राम, ये आपने लिखना भी है और याद करना है। व्हाट आर द स्टेप्स टू लोड अ प्रोग्राम, ये आपने जो है लिखना है और याद करना है। व्हाट आर द स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम,
और हम अपने प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये भी आपने लिखना है और याद करना है। पर ये तीनों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उम्मीद है आज का लेसन आपको जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।